him. I am your English teacher Asif Ali. Today topic for discussion is what is noun. आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि noun क्या है. What is noun? Noun क्या है? The name of place, person or thing is called noun. किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को इसम कहते हैं. जैसे कि मिसालों के जरिए सीखते हैं. अली हो गया, स्कूल वगैरह, ये सब क्या है? नाउन है. यानी अली क्या है? एक पर्सन है. तो इस तरह स्कूल क्या है? एक प्लेस. दूसरी अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम नाउन क्यों पढ़ते हैं. देखो, आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट या तो ना इसम होता है, मतलब नाउन होता है, या प्रोनाउन होता है. तो इसलिए हम पढ़ते हैं कि अक्सर सब्जेक्ट या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है. और पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला पार्ट क्यों है? इसमें इस्लामी रिवायात में आता है कि अल्लाह जल्ला जलालुहु ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा सिखाए, इन्हीं चीज़ों के नाम सिखाए. तो इंशाल्लाह ये वीडियो हम नाउन के मुताबिक बनाने जा रहे हैं. जैसे कि हमने तारीफ पढ़ लिया, ये वीडियो देखने के बाद नाउन के बारे में आपको कोई डाउट्स नहीं रहेगा, सब आपके डाउट्स खत्म हो जाएंगे. तो इसलिए ये वीडियो को ज़रूर देखिए. There are many kinds of noun. Noun के बहुत से अक्साम हैं. First of all, we read common noun. Common noun क्या है? Common nouns are words. Common noun are words that refer to undefined people, places or things. यानी इसमें आम क्या होते हैं? इसमें आम. ये गैर मुआयन जब वो चीज़ों की तरफ मंसूब होता है. जैसे कि देखो, कॉमन नाउन का पहचान इंतहाई आसान है. जब बात हम किसी चीज़ के बारे में बात करें, किसी प्लेस के बारे में बात करें, अगर वो प्लेस, पर्सन या थिंग हमारी समझ में आ जाए तो ये प्रॉपर नाउन होगा, और समझ में ना आया तो ये कॉमन नाउन है. जैसे कि मिसालों से, मिसाल के तौर पर हम क्या कॉमन नाउन का मिसाल लेते हैं. I live in a country. मैं एक मुल्क में रहता हूँ. तो देखो, कोई भी किसी को ये पता नहीं है कि कौन से मुल्क में रहता है. तो ये जो कॉमन नाउन जुमले में आ गया, हमारी समझ से बाहर है, हमें पता नहीं है कि आई कहाँ रहता है. तो कॉमन नाउन का जब जुमले में तस्किरा हो जाए तो हमारी समझ में नहीं आएंगे. और इसके जो मुकाबिल है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन आर रेफर टू डिफाइंड पीपल, प्लेसेस आर थिंग्स. इज अली पाकिस्तान, लक्की मारवा. तो एक पहचान प्रॉपर नाउन्स कहे हैं, जिसको हम इसमें खास कहते हैं. इसमें खास क्योंकि ये खास इसम होता है. जब जुमले में इसका तस्किरा हो जाए तो हमें पता चल जाता है प्रॉपर नाउन. यानी प्रॉपर नाउन जैसे कि आई लिव इन लक्की मारवत, मैं लक्की मारवत में रहता हूं. तो लक्की मारवत क्या है? प्रॉपर नाउन है. देखो, दूसरी बात, दुनिया में जितनी भी पर्सन, प्लेसेस या थिंग्स है, उन सब को हम कॉमन नाउन का नाम दे सकते हैं. लेकिन दुनिया में जितनी भी पर्संस हैं, प्लेसेस हैं या थिंग्स हैं, उस सब को हम प्रॉपर नाउन नहीं दे सकते. देखो, जैसे कि हम हर एक लड़के को बुआ कह सकते हैं, लेकिन हर एक लड़के को हम मकसूद नहीं कह सकते. हाँ, यही मेन डिफरेंस है उसमें. तो तीसरा हमारे पास आता है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल आर थिंग्स, एज टीम, आर्मी, क्राउड. ये देखो, ग्रुप ऑफ पीपल या थिंग के तरफ मंसूब होता है, ना कि प्लेसेस की तरफ हो. देखो, नाउन क्या होता है? या पर्सन होता है, या प्लेस या थिंग होता है. लेकिन कलेक्टिव नाउन या तो लोगों का जमा होगा या चीजों का जमा होगा, जगह का जगह नहीं हो सकता. तो इसको हम कलेक्टिव नाउन का नाम देते हैं. और दूसरी बात, जैसे कि मिसाल हमारे पास क्या है? टीम, आर्मी, क्राउड. क्योंकि ये क्या है? लोगों का एक हुजूम है, लोगों का एक गिरोह है. और कलेक्टिव नाउन हमेशा हम सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि द टीम इन, द टीम ऑन द फील्ड. द टीम इज ऑन द फील्ड. टीम क्या है? मैदान पर है, मैदान में है.
तो हम हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं ना कि जगह, लेकिन जब आप टीम में हर एक खिलाड़ी की बात करें, जब आप टीम में हर एक खिलाड़ी की बात करें तो हम क्या करते हैं, तो हम इस तरह कहते हैं कि द टीम आर टुगेदर ऑन द फील्ड। तो अगर आप टीम में हर एक की बात करें तो वहां आप आर लगा सकते हैं, लेकिन यूजुअली वी पुट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आफ्टर कलेक्टिव नाउन। फोर्थ वन हमारे पास है कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन रेफर टू टू आर मोर कंबाइंड नाउन्स टू फॉर्म अ सिंगल नाउन, यानी इसमें मुरक्कब, इसको हम इसमें जामिल भी बोलते हैं, और ये कंपाउंड नाउन इसमें मुरक्कब। ये जब एक या दो पार्ट्स ऑफ स्पीच या अल्फाज आपस में मिल जाए उससे एक कंपाउंड नाउन बन जाता है, जैसे कि स्कूल बॉय हो गए, ब्रदर इन लॉ हो गया, ऑरेंज जूस। और एक अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर ये जो कंपाउंड सिंगुलर नाउन होते हैं उससे हम कंपाउंड प्लूरल नाउन कैसे बनाएंगे, तो हमारे पास इनके चार उसूल हैं। देखो नाउन आ गया और नाउन के बाद नाउन, यानी नाउन प्लस नाउन, तो क्या करना है, नाउन के साथ ये एस लगाना है। अगर नाउन आ गया और नाउन के बाद प्रीपोजिशन और फिर नाउन स्ट्रक्चर आ गया, तो पहला जो नाउन इसके साथ एस का इजाफा करना है, और इस तरह मैन हो गया, वुमेन हो गया, और प्लस प्रीपोजिशन और नाउन, तो क्या करना है, यहाँ ई लगाना है, यहाँ भी ई लगाना है, तो इस तरह का क्या बन जाएगा, प्लूरल कंपाउंड नाउन बन जाएगा। और इस तरह मैन आ गया, वुमेन प्लस नाउन आ गया, तो क्या करना है, इसको भी हम क्या करेंगे, ई कर देंगे मैन, इसको भी हम ई कर देंगे और साथ एस लगाएंगे, तो हमारा इसके बाद हमारे पास है कंक्रीट नाउन। इट इज द नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस ऑफ व्हिच, इट इज द नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस ऑफ व्हिच एनीथिंग इज मेड ऑफ, ये क्या होता है, कोई मादा होता है जिससे कोई चीज बनाया जाता है, जैसे कि आयरन हो गया, वुड हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, इससे हम और चीजें बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट रेफर्स टू आइडिया क्वालिटीज दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, एजी लव, फ्रेंडशिप वगैरह, यानी क्या हो गया, एक बात में सॉरी फॉर दैट कलेक्टिव नाउन को हम इसमें जमा कहते हैं, ये जो कलेक्टिव नाउन को इसमें जमा कहते हैं, हाँ, और ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें जामेद। An abstract noun that refers to ideas, qualities that cannot be seen or touched. Love हो गया, friendship हो गई, इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और seventh one जो हमारे पास है countable noun that can be counted, जैसे कि बुआई, कार वगैरह हो गए। और uncountable noun that cannot be counted, इसको हम गिन नहीं सकते। और एक अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, what is the main difference between countable noun and uncountable noun? तीन जो इसमें बड़े फर्क हैं, countable noun को हम गिन सकते हैं, uncountable noun को हम गिन नहीं सकते। और countable और uncountable की बात चल रही थी कि countable noun को हम गिन सकते हैं, that can be counted, और uncountable को हम नहीं गिन सकते। तो मेन डिफरेंस मैं आपको बता रहा था, एक countable noun हम गिन सकते हैं, uncountable noun को हम गिन नहीं सकते। और जो दूसरा इसमें बड़ा फर्क है, countable noun से पहले हम क्या करते हैं, indefinite article लगाते हैं, जैसे कि ये